और कौन आया है दादू के अलावा? अभिनव पांडे सर। अभिनव, यस सर। देखो आज सब लोग लास्ट तक जुड़े रहे ना, जो एक दो लोग ऐसे हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, फिर खत्म हो जाती है क्लास, तब तक वो लीव करते नहीं है, उसी से पता चल जाता है। बीच बीच में बोलना है सबको, सबको पूछेंगे आज नाम लेकर। नॉलेज, ज्ञान, ये तीसरे यूनिट का लास्ट टॉपिक है, तीसरा टॉपिक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है और फिर चौथा यूनिट है। दीपावली से पहले हो जाएगी सारी क्लासेस समाप्त। कौन बोल रहा है भाई? हाँ शारदा बताओ। प्रेजेंट हूँ सर मैं। लेट क्यों आई? अभी लेट आई सर, मैं भी प्रेजेंट। कौन मैं मतलब? शुभ्रा। शुभ्रा तुम तो हर बार लेट आती हो। अरे सर मैं ना अभी 320 तरफ मैं ऐड होने की कोशिश कर रही थी तो ऐड नहीं हो पा रही थी। उसके बाद फिर ग्रुप में मैंने मैसेज देखा, रिप्लाई नहीं आया था तो मैं फिर ट्राई नहीं की थी, फिर अभी फिर से देखी ना तो सब लोग आ गए। हाँ सर अभी तो 3:35 हो गई। चलो कोई बात नहीं, है ना, 3:20 का टारगेट रखो, है ना। 2-5 मिनट अलग बात है पर 15-20 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। ओके सर। तो आज का टॉपिक है ज्ञान, उसमें 3 सब टॉपिक्स है, एक आत्मज्ञान मतलब अपने आप का ज्ञान, एक परमात्मा का ज्ञान जिसके लिए ब्रह्म शब्द यूज हुआ है गीता में, या भगवान ने जहां भी मैं शब्द यूज किया है, खुद ब्रह्म ही बोलते हैं, खुद भगवान ही बोल रहे हैं, तो वो परमात्मा का ज्ञान, और आत्मा और परमात्मा में भेद, 3 सब टॉपिक्स है। तो बताओ कोई ज्ञान क्या है? दिव्यानंद, दिव्यानंद अभी है, प्रेजेंट हो कि छोड़ के चले गए? आज तो उसे रिमूव ही करना पड़ेगा, रोज छोड़ के चला जाता है। हेलो सर। सर भाई तुम छोड़ के जाते हो कि दूसरा कोई जाता है? मिनट में बताता हूँ सर, अभी थोड़ा एक कोई एक एक काम हम नहीं छोड़ के जाते। सॉरी श्रद्धानंद ना, आज तो आया ही नहीं हूँ। हाँ बताओ दिव्यानंद, ज्ञान क्या है? सर ज्ञान से जितने भी परे चीज हैं सर सब ज्ञान है। अच्छा तेरहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है, थोड़ा सा अगर कठिन लगे ना तो उसको पूछ लेना। हम हालांकि हर एक चीज को, एक एक चीज को थोड़ा तोड़ तोड़ के हम लोग चर्चा करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये जो एक श्लोक होते हैं उसमें बहुत कुछ आ जाता है, तो हमें उसके छोटे छोटे टुकड़ों में समझना पड़ता है तो हमें आसान लगता है, और उसमें शब्द भी थोड़े कठिन यूज होते हैं तो हमें उसके बदले सरल शब्द यूज करने हैं। इसमें लिखा है, हे अर्जुन तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। शरीर को यहाँ पर क्षेत्र कहा गया है, और शरीर को जानने वाला या शरीर में रहने वाला वो है क्षेत्रज्ञ, मतलब कि जीवात्मा, तो वो भी परमात्मा ही है। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को जो तत्वों से जानना है वह ज्ञान है, मतलब कि इस शरीर को जानना, शरीर में रहने वाले आत्मा को जानना, और आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है और दोनों में क्या साम्यता है उसको जानना,
ये ज्ञान है, मतलब जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं, तो अध्यात्म में वही होता है कि शरीर के अंदर की जो आत्मा है उसको जानना है ना, और उसके साथ साथ प्रकृति, मतलब कि जो स्थूल शरीर है हमारा, या शरीर के बाहर की जो दुनिया है जो पंच महाभूत से बनी है, उसको प्रकृति बोलते हैं, जो जड़ है उसमें चेतन नहीं है, जबकि हम जो आत्मा है जीवात्मा वो चेतन है। तो प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब ईश्वर का ही एक शब्द पुरुष यूज किया है, पुरुष मतलब केवल पुरुष और स्त्री ऐसा नहीं, पुरुष में चेतन तत्व की बात आई है, एक अचेतन प्रकृति और एक चेतन पुरुष, ये दोनों को जानना वो ज्ञान है। आया किसी को समझ में? ये जो लिखा हुआ है कोई रिपीट करो, चलो इसको अपने शब्दों में, क्या समझ में आया? सर तत्व का मतलब क्या है? तत्व का जो लिखा है सर, तत्व से जानना, तत्व से मतलब गहराई से जानना, बुद्धि मतलब हो सकता है, बुद्धि से जो जानते हैं। तुम्हारी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, 1 मिनट में वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। सर तत्व का मतलब हाँ बुद्धि से जानते बोलो। हैं। नहीं, तत्व से जानना मतलब गहराई से जानना। अब बताओ इसका सरल अर्थ। इसी श्लोक का सरल अर्थ क्या हुआ? सरल इतना ही हुआ, जड़ और चेतन दोनों पदार्थ के बीच का जो संबंध है, और जो चेतन है आत्मा है उसका और परमात्मा का जो संबंध है उसे जानना, वही ज्ञान है। ये ज्ञान मतलब ये जनरल नॉलेज नहीं है ना, ये दिव्य ज्ञान की बात हो रही है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही है। तो वहां पर ज्ञान का मतलब हुआ हमारे शरीर और शरीर के अलावा भी जो जड़ पदार्थ है उसको जानना, और जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ का जो संबंध है उसे जानना। तो चेतन पदार्थ कौन कौन से हैं? आत्मा और परमात्मा है, ईश्वर और जीव, वो चेतन है, तो उनके संबंध को जानना, ये है ज्ञान। क्लियर हुआ किसी को? यस सर, जी सर, ओके, है ना, थोड़ा सा कठिन है लेकिन उसको आप कितने नोट्स कौन कौन रखते हैं बताना। यस बोलना, जो ये ऑनलाइन क्लास के साथ नोट्स भी रखते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, कौन कौन है आज सर पता चले? कभी कभी, नॉट ऑलवेज बट हाँ कभी कभी, अगर कोई बात आज होती कितने है लोग लेकर आए हैं? सर, आज कौन अपने साथ, अपने पास मेरे कॉपी और पेन हो ऐसे कि कौन कौन है? अपने अपने नाम बताओ। जी पास सर शुभ्रा, मुस्कान, और विभूति, हाँ विभूति, मैं पहले ही बोला, विभूति, मुस्कान और शुभ्रा, 3 लोग। शारदा भी है, पेन और कॉपी लेकर बैठी है। नामिनी जी सर, क्या कहना चाह रही है? कॉपी पेन लेकर बैठी हो दामिनी? तो इतने ही लोग कॉपी पेन लेकर क्यों बैठे हैं भाई? 16 लोग हैं इसमें, 15-16 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से 4-5 लोग ही कॉपी लेकर, कॉपी पेन रखा करो, दूसरी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं रखते कॉपी पेन? क्योंकि देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवत गीता देखोगे या ये प्रेजेंटेशन फिर से देखोगे ना, तो उस टाइम अगर भूल गए होगे इसका सरल अर्थ क्या है, तो फिर दिक्कत आएगी, फिर रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। जबकि अगर उसको सरल भाषा में लिख लोगे, अपनी भाषा में लिख लोगे, तो आपको वो हमेशा याद रह जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना। और रटा हुआ है ना बहुत शॉर्ट हो जाता है, कोई विस्तार से लिखने को बोला जाए तो वो विस्तार से लिख ही नहीं पाते हैं, फिर उसी चीज को वो रिपीट कर करके लिख देते हैं, है ना, तो उससे कोई अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं और ना ही उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है,
कॉपी पेन रख लिया करो, उसमें जो भी चीजें आपको लग रही है कि ये लिख लेना चाहिए लिख लो, बाकी प्रेजेंटेशन तो है ही आपके पास, अपनी खुद की भी कोई नोट्स होनी चाहिए। तो ये ज्ञान। अब दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है, आत्मा रहस्यमय है, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी उसको नहीं जानता। अब देखो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं कि जैसे हम मान तो रहे हैं कि शरीर में आत्मा है और हमने पढ़ा भी है सब जगह, लेकिन जिस व्यक्ति को आश्चर्य होने लगता है ना कि भाई ऐसा कैसे है, ये क्या जीवन है, कि मतलब अंदर दिख नहीं रही है आत्मा, फिर भी वही परमात्मा का रूप है, हमारे अंदर ही भगवान है, ये हमारा ही धर्म केवल कहता है, बाकी कोई धर्म ऐसा, दूसरा कोई धर्म है जो ऐसा कहता हो कि अंदर ही है परमात्मा, तो आश्चर्य होता है बहुत कम लोगों को, और उन बहुत कम लोगों में से भी कोई ही उसको अच्छे से वर्णन, आश्चर्य की भांति वर्णन कर सकता है कि ये आत्मा है क्या। जैसे भगवद गीता के अलावा दूसरी कौन सी किताब मैंने बताई थी जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है, एक ग्रंथ है, किसी को याद है? वो भी गीता है, उसके नाम में भी गीता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है, उसके नाम में भी गीता शब्द आता है? मैंने हिंट भी दे दी। सर कठोपनिषद में भी है। उपनिषद का ही ये वैसे तो गीता है, उसे इसीलिए इसको गीतोपनिषद बोलते हैं, वो बात एकदम सही है, पर मैंने बताया था अष्टावक्र गीता, अभी विभूति ने बोला, शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था इसलिए पता नहीं चला किसने बोला, पर अष्टावक्र गीता में भी इसी तरह से आत्मा के विषय में बहुत ही अच्छा वर्णन है कि आप वास्तव में हो क्या, आपका स्वरूप क्या है ना, तो कोई ही उसको वर्णन कर, जैसे अष्टावक्र ने वर्णन किया उसको, ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसका आश्चर्य की भांति वर्णन कर सकता है, कोई अधिकारी पुरुष ही उसी आश्चर्य की भांति सुनता है, आत्मा को सुनना, आत्मा की आवाज को सुनना, अच्छे से समझना उसको, वो भी बहुत मुश्किल है, और कोई कोई तो सुनकर भी उसको नहीं जानता, कि सुना आत्मा की आवाज को सुनी, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा की एक रूपता को नहीं जान पाता है वो, तो ये रहस्यमय है जो आत्मा है। बोलना बहुत आसान है कि शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन अगर हम लोग आत्मा ही हैं तो फिर इतना सारा टेंशन, इतनी सारी कामनाएं वासनाएं, उन सब में हम क्यों लिप्त रहते हैं, जब आत्मा ही हैं हम लोग तो हमें इन सब चीजों से तो परे हो जाना चाहिए, पर वो सिर्फ बोलने की बात है, जब वो व्यवहार में उतरे तब उसको ज्ञान कहते हैं, तो ये इसलिए रहस्यमय ज्ञान है आत्मा का जो ज्ञान है वो। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर क्या है कि जीवात्मा है वो शरीर इंद्रियां मन उन सबको वो अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं क्या हूं तो मैं शरीर हूं ऐसा मानता है, या ये जो मन है वो मैं हूं, मन एक जड़ पदार्थ है, लेकिन हमें जो मन करता है उसको वो मान लेते ही कि ये हम, हमारी इच्छा है, पर वो एक्चुअली मन का विकार है ना, वो जैसा खाओगे जिस तरह का आपका वातावरण होगा उसके अनुसार मन तो कुछ ना कुछ आउटपुट देता रहेगा, आप जीवंत हो आप आत्मा हो तो आपको अपने मन पर कंट्रोल करना है ना, तो वो कब हम कर पाते हैं, जब अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छे से हम समझ पाते हैं, वही बात जो मैंने बताया कि आत्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी शरीर इंद्रियां मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वो जीव हो गया है, इसका यह जीवपना बनावटी है, नाटक में कोई पात्र बनने की तरह यह आत्मा जीवलोक में जीव बनता है, हमने जैसे आत्मा वाले टॉपिक में भी इसकी चर्चा करी थी वहीं से ये लिया है कि इतना ही अंतर है, अगर अज्ञानता का जो पर्दा है वो हट जाए तो हमें
महसूस हो जाएगा, जिसको हम योग बोलते हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन वो हो जाएगा, तो वो हमें अपना असली स्वरूप पता चल जाएगा। फिर हमारे न कोई सुख दुख रहेंगे, न कोई समस्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, एक तरह से जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। बहुत कठिन है, पर अध्यात्म में वो मार्ग दिखाया है, पॉसिबल जरूर है, उसका रास्ता दिखाया है। आध्यात्मिक ज्ञान किसे कहते हैं, तो हमने वो भी चर्चा करी थी, ईश्वर का ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, जीवात्मा जो शरीर के अंदर है, आत्मा मन और इंद्रियों को वश में करने का, क्योंकि ये मन और इंद्रियां है ना, वो बाधा रूप है, तो उसको कैसे वश में करें ताकि हमें आत्मा का दर्शन हो, आत्मा और परमात्मा का एक जो स्वरूप है, दोनों एक ही है, ऐसा अनुभव भी हो, है ना। तो इसके लिए हमें मन और इंद्रियों को वश में करना है, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखने का ज्ञान, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, क्योंकि जब तक सुख दुख रहेगा तब तक आप असली स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे, है ना। तो उसको समान दृष्टि से देखने का ज्ञान जब आ जाता है हमारे अंदर, तब हम आत्मा के असली स्वरूप को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में पिछले जन्मों का ज्ञान भी शामिल है, पिछले जन्मों के बारे में न जानने में मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों के प्रति आकर्षण। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्यों हमें नहीं पता होता पिछले जन्मों का, तो इसका कारण बताया है नाशवान पदार्थों के प्रति आकर्षण। आत्मा के अलावा ये शरीर भी नाशवान है, दूसरे जितने भी पदार्थ है सब नाशवान है, लेकिन हमें उसके प्रति आकर्षण रहता है, तो उसके कारण हमारी पिछले जन्मों की स्मृतियां खत्म हो जाती है। दोनों में से कोई एक रह सकता है ना, या तो कामनाएं रह सकती है या पिछले जन्म का ज्ञान रह सकता है, तो वो पिछले जन्म का ज्ञान नष्ट होने लग जाता है जैसे जैसे हमें नाशवान पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। ज्ञान और अज्ञान, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। ज्ञान के साधनों से विपरीत जो मान दंभ हिंसा आदि है वह अज्ञान की वृद्धि में हेतु होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। मतलब एक ज्ञान है और एक अज्ञान है, तो ईश्वर को जानना है ना, प्रकृति को गहराई से जानना वो ज्ञान है, और जो मान दंभ हिंसा है उसको सही मानना वो अज्ञान है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के ऊपर से फिर ज्ञान यज्ञ हुआ, ज्ञान की प्राप्ति एवं प्रचार प्रसार ज्ञान यज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ की बात करी है, उसमें से जो हम होम करते हैं, हवन करते हैं, उस द्रव्य यज्ञ की भी बात करी है, पर ये जो दिव्य ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, स्वाध्याय है जिसका, अगर वो करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ माना गया है। हालांकि आजकल कल के जमाने में देखा जाए तो द्रव्य यज्ञ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत पोल्यूशन हो गया है, तो यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन ज्ञान है वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे फिर आप क्या करोगे कि एकदम लिमिटेड जीवन जियोगे, आप बहुत ज्यादा आपको चीज वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे भी आपका प्रदूषण कम होगा, आप पाप कम करोगे, आप लोगों के कल्याण के लिए काम करोगे, तो अंत में सिर्फ वातावरण को शुद्ध करने के बजाय ये वातावरण की शुद्धि के लिए भी आप काम करोगे और भी बहुत सारे काम करोगे, जिसके कारण उसको श्रेष्ठ माना गया है ना। वो अध्यात्म का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, तो उसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध का ज्ञान। क्या महत्व है जीवन में ज्ञान का? यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देता है। मतलब कि जैसे ये वाल्मीकि है, पहले पापी था, लेकिन उसे ज्ञान हो गया कि मैं जिन लोगों के लिए कमा रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं लोगों को लूटता हूँ, वो तो मेरे पाप में भागीदार नहीं है, फिर मैं क्यों पाप कर रहा हूँ, तो उसे ज्ञान हो गया, तो वो तर गया, और पापी होने के बावजूद फिर वो महर्षि बन गया, उसने रामायण की भी रचना की और भी बहुत अच्छे काम किए।
वो कहते हैं कि पापी से भी बड़ा पापी हो, पर ज्ञान अगर हो जाए तो, क्योंकि जिस समय ज्ञान हो जाता है ना, उसके बाद फिर उसको पाप करने का मन ही नहीं होता है, तो वो उसके कर्म जो भविष्य में गलत कर्म होने वाले थे वो सब भस्म हो जाते हैं, पाप जो है वो नष्ट होने लगता है, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा ना। फिर वो अंगुलीमाल को भी ज्ञान हो गया, तो उसको लोगों ने उसको पत्थर भी मारा, सब कुछ किया। पहले वो उंगली काट लेता था सबकी, मार देता था सबको, लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ वो पत्थर भी सहन करने लग गया, लोगों की गालियां भी सहन करने लग गया, वो कुछ नहीं बोल रहा था, तो क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। तो ज्ञान होने के बाद क्या होता है कि व्यक्ति को अपने गलत कामों का भुगतना तो पड़ता है, पर उसमें वो दुखी नहीं होता है, वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया है ना। हमारे अंदर अगर ज्ञान आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन दुख हमें लगेगा ही नहीं, वो बहुत बड़ी शक्ति ज्ञान में है। तो इसलिए वो कहा गया है कि फिर वो कर्मों को भस्म कर देती है, जो भी आपने कर्म किए हैं गलत, उन सब का वो भस्म हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान हो गया है, इसलिए उसको आपको वो दुख नहीं देंगे, उसके जो फल होंगे वो आपको दुख नहीं देंगे। ज्ञान का महत्व, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतरण हुआ, मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि कर्मयोग खराब है, ज्ञान योग ही सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। दोनों एक ही चीज है, कि जिसने योग और दूसरी पद्धतियों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, तो वो ज्ञान अपने आप ही प्रकट होता है। ऐसा कहा गया है कि सारा सॉफ्टवेयर है, अंदर रखा गया है, आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है, तो उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ है अंदर। लेकिन क्योंकि ये आवरण है, ये पर्दा लगा हुआ है मन और इंद्रियों का, उसके कारण वो ज्ञान व्यवहार में नहीं आता है ना, वो जीवन में नहीं उतरता है। तो जो जीवन में अगर उतरने जाए, कर्मयोग द्वारा हम उसको मन को काबू में करके उसको हम जीवन में भी उतार सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि अपने आप ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं है, कर्मयोग के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। पता चल गया उसको कि आत्मा और परमात्मा में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो उसको एक परम शांति मिलती है, वो शांति जिसका कोई किसी और शांति से तुलना नहीं की जा सकती है। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कौन कर सकता है? जो जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, साधन परायण, जो योग जैसे साधन में लगे रहे हैं, और श्रद्धावान है, जिसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहते हैं ना, कि श्रद्धा हो, वही मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो बिना विलंब के तुरंत ही उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि यही तो भगवान है, तो परम शांति उसको मिल जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ओके। ज्ञान और त्रिगुण, त्रिगुण का भी टॉपिक था एक। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान सत्व गुण से उत्पन्न होता है, सात्विकता बढ़ानी पड़ती है। और रजोगुण से निसंदेह लोभ, और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और अज्ञान भी होता है। तमोगुण से अज्ञान होता है, रजोगुण भी बाधक है ज्ञान में, बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारा लोभ, तो ये सब रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे जैसे हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती जाएगी, हमें विवेक जागृत होता जाएगा और असली ज्ञान अंदर आने लगेगा, जिसके कारण हमें सुख दुख ठंडी गर्मी कुछ नहीं सताएगी। तो ये ज्ञान हमें सत्वगुण से उत्पन्न होता है। तीन प्रकार का ज्ञान बताया गया है। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान। कि हमने अपने अंदर तो आप जो आत्मा है वो परमात्मा है इसलिए जान लिया,
लेकिन कई बार कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि सब जीवों के अंदर वो परमात्मा भाव को नहीं देख पाते हैं। तो असली ज्ञान वही है कि सिर्फ न केवल हमारे अंदर हमें परमात्मा दिखता है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर का जो परमात्मा है उसके हमें दर्शन होते हैं। जैसे इस चित्र में दिखाया है, हाथी के अंदर भी परमात्मा है, कुत्ते के अंदर भी परमात्मा का अंश है, मनुष्य के अंदर भी परमात्मा का अंश है, एक अच्छे मनुष्य के अंदर और साधारण मनुष्य के अंदर, सबके अंदर परमात्मा का अंश है। तो वो सात्विक ज्ञान है। किंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। कि उसको आत्मा के बारे में पता तो लगता है, लेकिन वो लगता है कि नहीं सब अलग अलग है, ये सब निम्न कोटि के लोग हैं, मैं उच्च कोटि का हूं, इस तरह का वो भेद करने लगता है। तो वो राजसिक ज्ञान है। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण सदस्य आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस है। जो इलॉजिकल है, जो निम्न प्रकार का है, जिसमें हम हिंसा वगैरह को सही मानते हैं, उस तरह का जो ज्ञान है वो तामसिक ज्ञान है। तो ज्ञान के ये तीन प्रकार बताए गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसमें कोई प्रश्न? सर ओके। अब ज्ञान कैसे प्राप्त करें? ज्ञान प्राप्त करने का तरीका भी भगवद गीता में बताया है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तत्वदर्शी मतलब जिसने गहराई से उसको समझ लिया है। उनको भली भांति दांडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो जो गूढ़ रहस्यमय ज्ञान है उसका उपदेश करेंगे अगर तुम उसको सरलता पूर्वक प्रश्न पूछोगे, है ना। ये जितने भी गूढ़ रहस्य वाले उपनिषद है और जितने भी ये गीता और दूसरे शास्त्र है, उसमें आप देखोगे तो ऐसे जिज्ञासु व्यक्तियों ने प्रश्न किए हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, इस तरह के उसको जब प्रश्न हुए, तब उस प्रश्न के जवाब में ये भगवद गीता का ज्ञान निकला है, तब भगवान ने उससे सब समझाया हुआ है। तो प्रश्न अंदर उठने चाहिए, तो व्यक्ति सामने जो जानता है व्यक्ति वो आपको बताता है, है ना। यहाँ पर महात्मा की बात करी गई है। आजकल के समय में आप देखें कि आपसे जिनको ज्यादा अनुभव है, जिन्होंने आपसे ज्यादा भगवद गीता को पढ़ा है या जिनको इस विषय का ज्यादा ज्ञान है, वो आपको कब बताएंगे ज्यादा? जब आप पूछेंगे, है ना। तो प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है, पूछने से ही विद्वान बना जाता है ऐसा कहते हैं। तो प्रश्न पूछने के लिए ही ये ऑनलाइन क्लासेस रखी है, वरना तो रिकॉर्डिंग का चल ही रहा था हमारा। तो जहां भी आपको लगे प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। ये भगवद गीता में भी प्रश्न पूछने की बात का समर्थन किया हुआ है। तो ज्ञान भी इसी तरह से प्राप्त होता है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण वर्तों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो अलग अलग यज्ञ के प्रकार है, उसमें तीक्ष्ण वर्तों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, क्योंकि स्वाध्याय के साथ साथ आपको व्रत तक तीक्ष्ण तप भी करना पड़ता है, ठंडी गर्मी को सहन करना, सुख दुख को सहन करना। क्योंकि जब जब आप ऐसे ज्ञान में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको उन सब चीजों का ज्यादा महत्व नहीं रहेगा, भूख प्यास का, सर्दी गर्मी का, समस्याओं का, उन सब का हमें इतनी ज्यादा चिंता नहीं होगी। तो उसके साथ साथ स्वाध्याय जो करता है, वो भी कहते हैं कि जिस तरह से ये जो हवन करने वाले लोग हैं, जिस तरह से जो तप करने वाले लोग हैं, जिस तरह से योग करने वाले लोग हैं, इसी तरह से ये व्रत के साथ स्वाध्याय करने वाले लोग हैं। तो ये अलग अलग प्रकार है, इन सभी से आपको ज्ञान प्राप्त होता है।
आत्मज्ञान, ये भी बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। अर्जुन इस शरीर मतलब कि क्षेत्र में, जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र रखा गया है। इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ, इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। एक है हमारा क्षेत्र, हम जो भी कर्म करेंगे उसके उससे फल मिलेंगे, तो ये शरीर के द्वारा ही हमें कर्म करने हैं, तो शरीर को क्षेत्र कहा गया है, और उसमें जो आत्मा रहता है वो क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ज्ञानी की क्या विशेषता है? सुख प्राप्ति के लिए ज्ञानी बाहरी विषयों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपने में ही संतुष्ट रहता है। ये ज्ञानी व्यक्ति की विशेषता हो जाती है, उसको इंद्रियों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है सुख के लिए। इंद्रियों पर डिपेंड रहना मतलब कि स्वादिष्ट खाना खाना है, स्पर्श का सुख चाहिए, आंखों का सुख चाहिए, कानों का सुख चाहिए, इस तरह का कोई सुख उसको नहीं चाहिए, वो अपने में ही संतुष्ट रहता है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। ज्ञान मार्गी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, उसमें कोई भेद नहीं करता वो। ज्ञान मार्गी अन्य को क्या सलाह दे? अगर आपको ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, जैसे आदि शंकराचार्य ज्ञान मार्ग का एक उत्तम उदाहरण है। ज्ञान मार्गी कर्मों में आसक्ति रखने वाले को अच्छे कर्म करने की तथा बुरे कर्म से बचने की सलाह दें, तथा अपने नियत कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से पूरा करने की सलाह दें। कर्म करना भी गलत नहीं है, पर ज्ञान मार्गी के लिए फिर कर्म नहीं रह जाते हैं, वो उसी में ज्ञान प्राप्त हो जाने के कारण उसको सुख दुख नहीं सताते हैं, इसलिए उसको अन्य कोई कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। वही बात यहाँ पर अलग तरीके से कही है, उसको सांख्य योगी शब्द यूज किया गया है, क्योंकि उसने जान लिया है कि जो अंदर आत्मा है वही परमात्मा है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान के द्वारा जो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वो शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, ईश्वर को प्राप्त होते हैं। सर्दी गर्मी सुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात तो उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, है ना। उसे समझ में आ जाता है कि जो चेतन पदार्थ है वो केवल परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, बाकी सब तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की हुई एक माया है। जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण समान है, वह योग युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। यही योग कहा गया है गीता में, यही योग है। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो वही योग है। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानना है। तत्व का दूसरा शब्द यथार्थ रूप से जानना, सही सही जानना। हमने गहराई से जानना कहा, तो यहाँ उसके लिए शब्द यूज हुआ है यथार्थ रूप से, सही 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 जानना उसको। तो हजारों में से एक प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, सारे लोग लगे हुए हैं बार बार जन्म लेंगे, बार बार कामनाओं की पूर्ति के लिए अपना समय अपना जीवन सब समाप्त कर देंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर वही करेंगे। तो केवल हजारों में से एकाध व्यक्ति होता है जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, लेकिन उसमें से भी सब लोग नहीं कर पाते हैं, उसमें से भी कोई एकाध ही ऐसा होता है तो भगवान को सही सही से जान पाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जन्मों जन्मों का कर्म है, ये धीरे 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 आगे आगे जाके कोई एक जन्म में सिद्ध होगा।
इसी जन्म में जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ ज्ञान हो जाए। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए बजने वाला, आठ संकट निवारण के लिए बजने वाला, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से बजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको बजते हैं। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी, चार प्रकार के जो भक्त होते हैं, तो उसमें एक ज्ञानी भी है जो भगवान को बजता है ना। तो वहां भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की एकता आ गई कि वो बजता भी जरूर है क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि बहुत सारे शास्त्र हैं, अगर ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो क्या करें, है ना। जैसे मैंने अष्टावक्र गीता बताया, उपनिषद बताए, उपनिषद में भी इसी तरह के रहस्यमय ज्ञान है, और भी बहुत सारे शास्त्र हैं, वेद है। लेकिन अगर सिर्फ भगवद गीता को भी अच्छे से समझ लो तो भी कहते हैं कि इससे भी आपको आपके अंदर का जो अज्ञानता का आवरण है, पर्दा है, वो हट जाएगा। तो भगवत गीता रूपी जो एक हीरा है उसे अपनाने की जरूरत है। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? हम लोगों की समस्या क्या है कि एकाग्र चित्त से हम इसका श्रवण नहीं करते, है ना। अटेंडेंस के लिए हमें करना है क्लास, वो अलग बात है, पर जब उसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है, उसमें बहुत ही रहस्यमय ज्ञान मिलेगा, ऐसा ऐसी श्रद्धा डेवलप होने लग जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो मोह है वो नष्ट हो जाता है। जो सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह है वो नष्ट हो जाता है। तो अगर अच्छे से हमने भगवद गीता को समझा है, अच्छे से उसका श्रवण किया है, उसको सुना है, तो हमारा ये नष्ट मोह नष्ट हो जाएगा। अज्ञानता के कारण केवल स्वार्थ के लिए कर्म करने वाले लोग भगवान के निष्काम कर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। केवल अपने लिए ही कर्म करना कर्मयोग नहीं है, ऐसे कर्मों का फल दुख ही है। एक तो अज्ञान है, ज्ञान प्राप्त कर लो तो आप जो भी कर्म करोगे वो ईश्वर के लिए करोगे, ईश्वर की सृष्टि को बनाए रखने के लिए अच्छे कर्म करोगे। लेकिन जो केवल स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं ना, भले ही आज दिखता हो कि उनको बेनिफिट हो रहा है ना, जैसे वो अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण का नाश करके बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, फिर उसको ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, वो कहीं ना कहीं उसको भुगतना ही पड़ेगा, सब लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो केवल स्वार्थ के लिए हम अगर कर्म करेंगे तो उसका फल तो दुख ही है, आज नहीं तो कल वो दुख ही होगा। पर अगर ज्ञान हो गया है और उसके बाद हम सोच समझ के, विवेक के द्वारा उसको निष्काम रूप से कर्म करते हैं कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कर्तव्य है इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा समझ के हम करते हैं, तो उसका फल दुख नहीं होगा। सात्विक कर्म है वो सुख देने वाले होते हैं। ज्ञान मार्ग का सबसे बड़ा बाधक, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जहर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। देखो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखने लायक है कि कई बार दूर से क्या है, केवल धुआं दिखता है, छोटी अग्नि हो तो अग्नि दिखेगी नहीं, केवल धुआं दिखेगा। फिर मैल से दर्पण, अगर दर्पण में मैल जम गया हो, धूल लगी हो, डस्ट हो, तो आपको सही सही आपका चित्र वहां नहीं दिखेगा, आपको अपना चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा दर्पण में। फिर इसी तरह गर्भ के ऊपर एक लिक्विड रहता है, जहर शब्द यूज किया है, तो वो उसके कारण गर्भ उसमें ढका रहता है। तो इसी तरह से ये काम है वो ज्ञान को ढक देता है। हमारी जो सारी कामनाएं हैं उसके कारण हम ज्ञान की तरफ जाते ही नहीं है, ढका रहता है, वरना अंदर ही है ज्ञान तो, पर वो ये सारी जो कामनाएं हैं उसके कारण वो ढका रहता है। जिस तरह से ये जो एग्जाम्पल दी है, धुएं से अग्नि, मेल से दर्पण और जहर से गर्भ। क्लियर है सबको? यहां तक कोई क्वेश्चन? अब समाप्त ही है।
इंद्रिया मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे गए हैं। किसके किसके वास स्थान कहे गए हैं? काम, काम के। काम किसमें रहता है? कामनाएं किसमें रहती हैं? इंद्रिया मन और बुद्धि में मोहित करता है जीवात्मा को। तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। काम के ऊपर अगर हमने विजय प्राप्त कर लिया तभी ज्ञान होगा। कामनाएं और ज्ञान दोनों साथ में नहीं रह सकती। ये काम वासनाएं कामनाएं ये सब ज्ञान में बहुत ही बड़ा बाधक है। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये भारत, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। श्रीमद भगवद गीता के चौथे अध्याय तक मुख्य दो मार्ग भगवान ने बताया, कर्मयोग और ज्ञान योग। और फिर दोनों का संबंध जो हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसको अभी हम किसी को बुरा ना समझे, किसी को बुरा ना चाहे, किसी का बुरा ना करे, तो कर्म योग आरंभ होता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग है। दोनों एक ही चीज है, कर्मयोग और ज्ञान योग। कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। ज्ञान योग कर्मयोग दोनों एक ही चीज है, इसलिए कर्म करो अपने, उसी से ज्ञान होगा, और ज्ञान के लिए स्वाध्याय करो, वही आपका मुख्य कर्म है। तो दोनों चीजें एक हैं। यहाँ पर ज्ञान योग समाप्त होता है, ज्ञान योग की चर्चा समाप्त होती है। किसी को कोई क्वेश्चन?